गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर को, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ मेटा हम सीखेंगे कार्टेशियन सिस्टम के बारे में, कि व्हाट इज़ कार्टेशियन सिस्टम, क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, कि विद द हेल्प ऑफ टू क्वांटिटीज़ हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की एक पर्टिकुलर पोजीशन को शो कर सकते हैं। बट वहाँ पे एक चीज़ देखा था, जब आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो वहाँ पे आपको 3.4 की कितनी पोजीशंस मिली थी, 4 पोजीशंस मिली थी। तो बेटा इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या करा, एक कार्टेशियन रूल बनाया या कार्टेशियन प्लेन बनाया, तो हम उसी को सीखेंगे। तो कार्टेशियन सिस्टम हम सीखने जा रहे हैं सॉरी कार्टेशियन सिस्टम से पहले मैं आपसे बात करूंगा कि बेटा आपने छोटी क्लासों में नंबर लाइन के बारे में सीखा हुआ है। ठीक है, तो छोटी क्लासों में जो आपने सीखा है, उसमें क्या होता था कि एक नंबर लाइन रहती थी जिसमें एक ओरिजिन रहता था। कहाँ से स्टार्ट करते थे बेटा हम? ज़ीरो से। ज़ीरो को हम ओरिजिन मान के अगर इधर जाते थे, किधर? लेफ्ट। तो हम कहते थे सारे पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? सारे पॉजिटिव। और ये जो डिस्टेंस होती थी फिक्स होती थी, ऐसा नहीं कम ज़्यादा होती थी, फिक्स डिस्टेंस होती थी। इसको हम एक यूनिट कहते थे। क्या कहते थे? यूनिट। और यूनिट हम अपने हिसाब से लेते थे, कोई 1 सेंटीमीटर, कोई 2 सेंटीमीटर लेता था। पर हमें ध्यान रखना है कि हम तो जब कॉपी में पढ़ते थे कितना लेके चलते हैं, 1 सेंटीमीटर का। सेम इधर भी था वही, यूनिट तो सेम रहती थी 1 सेंटीमीटर, बट जब हम इधर चलते तो हम इसको किस में कह देते थे? नेगेटिव। किस में कह देते थे स्टूडेंट्स? नेगेटिव कह देते थे। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता था। ठीक है, तो बेटा इधर जो होता था वो क्या होता था? नेगेटिव। और ये यूनिट क्या रहती थी? हमेशा सेम रहती थी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का हम लेके चलते थे। तो अगर सपोज करो इसी तरह से, ये कैसा है? ये देखो हॉरिजॉन्टल है। ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल है ना। अगर मैं इसको क्या करूँ, यूँ इस तरह से वर्टिकल कर दूँ, इस पर एक ओरिजिन ले लूँ, ठीक है, और इसमें मैं बना दूँ इधर की ओर पॉजिटिव, इधर की ओर नेगेटिव, इस तरह से। तो हमें क्या दिख रहा है कि कहीं से भी चलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक रेफरेंस चाहिए होता है। तो अगर इन्हीं रेफरेंस को मिला दिया जाए तो हमारा क्या बनता है? कार्टेशियन प्लेन बनता है। या चलो छोड़ो, हटाओ, सिंपल सा आप देखना कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। वेन इन एनी प्लेन, जैसे हमारा ये प्लेन है, विन इन एनी प्लेन वी ड्रॉ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स। क्या? हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 डिग्री पे होने चाहिए। और होने भी कैसे चाहिए? हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो सपोज करो ये है मेरा, ये देखो हॉरिजेंटल, तो अगला जो वर्टिकल होगा वो कैसा होगा? इस पर 90 डिग्री पे होना चाहिए। ये हो गया 90 डिग्री पे। तो ये हमारा ये सिस्टम क्या कहलाता है? कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। जब हम अपने प्लेन पे किसी भी अपने प्लेन को क्या करते हैं, उस पर एक हॉरिजॉन्टल और उस पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री का परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करते हैं? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। ये जो लाइन्स होती हैं हम इनको कहते हैं एक्स एक्सिस दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स डैश एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर वाई डैश एक्सिस। ठीक है, ये किसको शो करता है? आपका एक्स एक्सिस और एक्स एक्स डैश एक्सिस, वाई एंड वाई डैश एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है बेटा? जो ओरिजिन होता है, जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। मीन्स हम जो भी शुरुआत करेंगे वो कहाँ से करेंगे? यहीं से करेंगे। अब क्या करेंगे? सभी एक्सिस पे, एक्स डैश पे, एक्स पे, वाई पे, सबकी तरफ क्या ले लेंगे? सॉरी, ये एक्स एक्सिस होगा और इधर एक्स डैश एक्सिस होगा। तो सबकी तरफ क्या ले लेंगे हम? एक
फिक्स पॉइंट पे गैप लेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, तो ये क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस कहलाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें इन एनी प्लेन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस, सेकेंड इन एनी प्लेन वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है, वाई एक्सिस। बेटा ये एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस करते हैं वो क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है ना। थर्ड हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन मतलब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। किसे शो किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय इसका ओ से, किसे शो करते हैं, ओ से शो करते हैं। नाउ स्टूडेंट, सेम वहीं पे नंबर सिस्टम वाला है, ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ओरिजिन के अपर पॉजिटिव और लोअर नेगेटिव। ये हमारा होता है पॉजिटिव एक्सिस, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पॉजिटिव, और ये इधर क्या होगा, नेगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव। बोलो बात क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। नाउ बेटा ये देखो ये क्या कर रहा है, ये अब जो हमें इस तरह से जब ये ड्रॉ करने पे क्या, ये एक्सिस ड्रॉ करने पे हमें जो प्लेन मिला वो क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, या हम कह सकते हैं फोर्थ है, व्हेन ऑन अ प्लेन वी ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस देन इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। वो प्लेन क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। बात समझ में आई, क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। अब बेटा ये जो देखो ये है, ये क्या कर रहा है हमारे, इसको फोर पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, कर रहा है क्या फोर पार्ट्स में डिवाइड। देखो इधर से ये प्लेन, यहाँ से जब हमने करा तो एक तो इसको ड्रॉ करते ही हाफ पार्ट ये हो गया, हाफ पार्ट ये हो गया, और जब इसको ड्रॉ किया तो हाफ पार्ट ये हो गया और हाफ पार्ट ये हो गया। तो यहाँ से ये जो हमारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट पार्ट मिला वो हमें क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्वाड, क्वाड मीन्स फोर्थ है ना, क्वाड मीन्स क्या होता है, फोर्थ। तो हमारे पूरे प्लेन का कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट इसको ले रहे हैं इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ये क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होगा स्टूडेंट हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो इतनी बात समझ में आई, बहुत सिंपल। किसी प्लेन पे हमने दो लाइंस ड्रॉ करी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलरली, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और ये हमारे प्लेन को क्या करती है, फोर पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एक्स एक्सिस
ओरिजिन पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपर साइड पॉजिटिव और लोअर साइड नेगेटिव। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, इसको आप एक बार क्या कहते हैं, पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये सारे किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं। किसमें आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बेटा ध्यान से देख लो, क्योंकि अभी आपकी सिर्फ जो सिलेबस में से बेसिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हायर क्लासेस में मिलेंगे जो आपको थोड़ा परेशान करेंगे, बट यहाँ से बेसिक क्लियर करके जाओगे तो आपको वहाँ पर कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटा ये बताओ, एक बार बताओ, ये दो हमने लाइंस क्यों ली, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन को शो करने के लिए क्या चाहिए हमें, टू थिंग्स चाहिए। तो वो कौन हो गए थे दो चीज़ें, एक तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और एक ये वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए अब और बात करते हैं इनके बारे में। ये कौन है हमारा ओरिजिन है, ओ अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, जीरो जीरो होगा क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा देखो, इस पे शो करने के लिए ये पॉजिटिव या एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव और वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स डैश एक्सिस और नेगेटिव। ठीक है ना बेटा, इन्होंने क्या करा, अब इधर है तो देखो ये क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, दिस इज़ योर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स एंड माइनस सेवन। इस तरह से हमें इसको करना है। नाउ अब सपोज़ करो मैंने आपसे कहा कि अब देखो यहाँ पे हमारा वही सीन चलेगा जो हमने वहाँ पे कॉलोनी वाला देखा था। सपोज़ करो कोई पॉइंट ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो ये क्या बताओगे आप, इस पॉइंट की पोजीशन क्या बताओगे, कि एक्स एक्सिस पे प्लस फोर एंड वाई एक्सिस पे प्लस फोर, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे। देख लो काउंट करके, ऐसे ही इस तरह से इसका ले लो, ये मान लो पीता ये क्यू। अब जो क्यू है क्या, सेवन एंड थ्री, सेवन कॉमा थ्री। इन्होंने क्या कहा कि इस पे किसी भी पोजीशन को शो करना है, इन्होंने रूल बना दिया कि इस पे किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए हमें दो ऑर्डिनेट्स चाहिए, कौन कौन से ये चाहिए हमें, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो बेटा चलो फिर से देखो, आप सबसे पहले हमें क्या पता लगा कि दो एक्सिस थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जहाँ पे इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, क्या कहलाया, ओरिजिन कहलाया। बेटा ये क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनेट्स, कौन, सिर्फ इतने पार्ट्स, ये क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, एक्स ऑर्डिनेट वाई ऑर्डिनेट, इनका एक और भी नाम है। तो किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए, अब उनके क्या क्या है, कौन 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 सा, एक्स ऑर्डिनेट चाहिए और वाई ऑर्डिनेट चाहिए, है ना। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो करने के लिए, मान लो कोई पॉइंट है तो हमें क्या चाहिए, एक्स ऑर्डिनेट कॉमा और कौन चाहिए, वाई ऑर्डिनेट। बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन्होंने रूल बना दिया है क्या, कि अगर कभी भी कोई भी चीज़ इस तरह से लिखा हुआ है तो जो पहला लिखा होगा वो किसको शो करेगा, एक्स ऑर्डिनेट को, और दूसरा किसको शो करेगा, वाई ऑर्डिनेट को शो करेगा। अगर मान लो कि आपने किसी को बताया 5.3, इट मीन्स आप ये एक्स बता रहे हो और ये क्या बता रहे हो आप, वाई, ये रूल फिक्स है, ठीक है, इसलिए आप अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं करोगे। इनके एक और नाम आपको कहा था मैंने, ये कहलाता है एब्सिसा, एब्सिसा एंड दिस इज योर ऑर्डिनेट।
अब इसे कंफ्यूज मत हो जाना है ना, ऑर्डिनेट्स एक्स पॉइंट कर लो इसको, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो वाई पॉइंट कर लो इसको, ठीक है। और ये हमारा वाई जो पॉइंट होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा, ये सही है स्पेलिंग है, ठीक है, एब्सिसा। तो बेटा कोई भी पॉइंट अगर हम शो करते हैं तो सबसे पहले किसको शो करते हैं, एक्स को, और बाद में किसको शो करते हैं, वाई को शो करते हैं। तो ये हमारे किसी भी पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब चलो इस पे देखते हैं जरा बेटा, एक बात बताओ, अगर कोई भी पॉइंट इस पार्ट में होगा तो उसके साइन कैसे होंगे बोलो, पॉजिटिव होंगे क्या, क्यों, इधर होगा तो x भी पॉजिटिव चला और y भी पॉजिटिव चला है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसका साइन कैसा होता है, प्लस प्लस। तो अगर हमें किसी पॉइंट के सिर्फ साइन पता लग जाए तो हम उसको देख के ही बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे इसमें देखो पहले किसको शो करते हैं, x को, तो x किस में इधर है, इधर की ओर माइनस में, और y ऊपर की ओर कैसा है, प्लस में। तो अगर माइनस कॉमा प्लस है तो किस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेम इधर x भी माइनस y भी माइनस, तो ये माइनस माइनस, ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। सेम ऐसे ही देखो, पहले x लिखते हैं तो x इधर किस में है, पॉजिटिव, और y किस में है, नेगेटिव, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटा हम साइन देख के किसी भी पॉइंट का हम बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। नेक्स्ट, दूसरा, दो चीज़ होती हैं देखो, एक तो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हों जो ये कहलाता है, मान लो सपोज करा जो वो दोनों साइन होते हैं क्या, पी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये दोनों को मिलकर के हम क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो दोनों पॉइंट्स होते हैं जो उसको शो करते हैं, या वो दोनों नंबर होते हैं जो उसको किसी भी प्लेन पे शो करते हैं। बोलो समझ में आई बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी प्लेन, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो दोनों नंबर होते हैं जो उसको उस पे शो करते हैं। तो बेटा बोलो, साइन से हम बता सकते हैं कि कौन कहाँ पे आएगा, तो सब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, फर्स्ट इफ कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस देन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड है इफ कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव पॉजिटिव, देन किस में जा रहा है, देन इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इफ कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव नेगेटिव देन इन थर्ड क्वाड्रेंट, लास्ट है इफ कोऑर्डिनेट माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस, देन इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात पता लग गई, कुछ और ओरिजिन का लिख दो, फिफ्थ कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0,0 means x भी 0 एंड y भी इसका क्या होगा, 0 होगा। नाउ स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लो, चलिए अब हम एग्जांपल करते हैं।
नाउ एग्जांपल वन देखो, कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसी द फिगर 3.11। तो हम फिगर 3.11 को देखते हैं, एक बार बना ही लेते हैं फिगर 3.11 को। इस तरह से ग्राफ बना हुआ है अपनी बुक में। दिस इज ओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 -1, -2, -3, -4, -5 1, 2, 3, 4, 5 -1, -2, -3, -4, -5, -6 तो बी कहाँ है? एम बी है 4.3। इस तरह से बना हुआ है। एस है 3.4, यहाँ पे एस है, यहाँ पे बी है और एम कहाँ है? -3.4, ये है एम है और एल कहाँ है? ये हो गया एल। ओके, ये फिगर में आपके इस तरह से बना हुआ है बेटा। नौ क्या क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर क्या है। फर्स्ट उसने लिखा हुआ है द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर क्या क्या है? डैश 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 एंड डैश 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 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये फर्स्ट है। देखो जरा स्टूडेंट कौन सा चल रहा है हमारा? हमारा चल रहा है एग्जाम्पल नंबर वन। तो जरा देखो एब्सिसा किसको कहते हैं? एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट किसको कहते हैं? वाई एक्सिस। तो बेटा जरा एक्स एक्सिस बी कहाँ है ये देखो। बी का एक्स एक्सिस देखो क्या है? ये है, यही है। कितना दिख रहा है ये? 1, 2, 3, 4 दिख रहा है। ये कितना आएगा? 4। प्लस लगाना चाहो लगा दो। और ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। कहाँ पर लड़ रहा है वाई एक्सिस पे? यहाँ पे। ये कितना दिख रहा है हमें? 3। तो कितना हो जाएगा? +3। तो इस तरह से ये आपका फिल हो गया। नाउ सेकेंड देखो, सेकेंड कह रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। सेकेंड है देखो, इस बार कोऑर्डिनेट से पूछ लिया है ना, एक्स कोऑर्डिनेट नेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम आर डैश डैश एंड
डैश डैश हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर इस तरह से उसने दे दिया। नाउ देखो बेटा इस बार एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पूछा है किसका, एम का कहाँ है एम ढूंढो, कहाँ दिख रहा है एम, ये है एम। तो एक्स देखो एक्स कौन सा है, ये है एक्स, कितने पे दिख रहा है माइनस थ्री, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा माइनस थ्री। नाउ वाई कोऑर्डिनेट देखो जरा, ये देखो वाई पे ये लड़ रहा है इससे, तो प्लस फोर, तो ये हो जाएगा आपका फोर। ठीक है अब इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, पहले किसको लिखते हैं एक्स एक्सिस कितना है माइनस थ्री, फिर कॉमा लगाओ, फिर किसको लिखते हैं वाई एक्सिस, तो ये हमारा माइनस थ्री कॉमा फोर इस तरह से हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एल आर सेम है, थर्ड द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल आर एंड रिस्पेक्टिवली हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल आर हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल आर। नाउ इस ये भी बिल्कुल वैसा ही बेटा, जरा देखो इसको देखो, यहाँ पे किसके लिए कह रहा है एल के लिए कह रहा है, ढूंढो एल कहाँ पे है, ए ए ये है एल, तो सबसे पहले किसको लिखते हैं एक्स को, तो कौन सा है एक्स, यही है कहाँ पे जल लड़ रहा है माइनस फाइव पे, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव। एंड वाई देखो जरा वाई ये कहाँ टकरा रहा है, ये माइनस फोर पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस फोर। सो यहाँ से ऑर्डिनेट्स क्या बनेगा, पहले x फिर कॉमा वाई, याद ही कर लेना ये रूल है कि पहले x को फिर किसको y को। नाउ लास्ट देखते हैं कि रहा था x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ s r हेंस इसको आप करोगे, ठीक है ये फोर्थ वाला आप करोगे। नाउ आपका होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, होमवर्क है आपका फोर्थ, तो लिख रहा हूँ मैं डू योर सेल्फ ओके एंड होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 3.2 करनी है और आपको एक एग्जांपल नंबर 2 करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एक्सरसाइज 3.2 इन प्रैक्टिस कॉपी, ठीक है ये आपका होमवर्क है बेटा, इसको करके लाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।